डीडवाना जिला मुख्यालय पर बीते एक सप्ताह में हुई भारी बारिश से हुआ जल भराव अब लोगों की जान पर आपड़ा है। शहर के शीतलकुंड बालाजी मंदिर के सामने स्थित कच्ची बस्ती के सामने भरा पानी लोगों के घरों तक भर गया है। आज सुबह भी इसी पानी के पास खेलते खेलते दो मासूम बच्चे पानी में डूब गए। परिजनों के पहुंचने और पानी से बाहर निकालने तक दोनों मासूम बच्चों की मौत हो चुकी थी। हालांकि परिजन दोनों मासूमों को पानी से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और बच्चों के माता पिता और रिश्तेदार महिलाएं बेसुध हो गई। आपको बता दें कि शीतलकुंड बालाजी मंदिर के सामने स्थित कच्ची बस्ती में रहने वाले राकेश गुजराती के दो बच्चे राज और कद्दू घरों के बाहर खेल रहे थे। पास ही में बरसाती पानी भरा हुआ था, तभी अचानक दोनों मासूम बच्चे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी के बाद डीडवाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं बस्ती के लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मांग करने के बावजूद नगर परिषद ने पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए, जिससे बस्ती में पानी का भराव हो गया और पानी में डूबने से दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आप बच्चे तीन तीन साल के, साथ चार साल का एक है, तीन साल का है। वो बच्चे माँ बाप तो निकल गए थे मोटरसाइकिल लेके धंधे के लिए। टब बाल्टियाँ बेचते हम, बर्तन बेचते हैं, वो कपड़ा वगैरह लाते हैं। हम लोग गरीब आदमी है और बच्चे के, एक बच्ची है छोटी, उसकी वो भागती है कि फूफा जी फूफा बच्चे नहीं है, तो हमने पूरा मोहल्ला छान माना, फिर हमको मिले नहीं। तो बच्चे, एक बच्चा किनारे के ऊपर तिर रहा था, तो हमने देखा तो एक बच्चा, उसके भुआ ने बोला कि एक बच्चा ये रहा था, उसको निकाला तो दूसरा को हाथ डाल के करा तो दूसरा निकल गया। इसकी वजह से हम देखे तो बच्चे दोनों पानी में डूब गया था। अभी आधे पौने घंटे पहले जब मैं वार्ड में ही था, तो वहाँ पे जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं वहाँ पर गया, तो दो बच्चे के डूबने की वो चिल्ला रहे थे। पास में गया तब देखा कि दो बच्चे डूब रहे हैं, उनको 10 मिनट में निकाल लिया ले आए। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो कमी आई है वो प्रशासन की और नगर पालिका की आई है, क्योंकि गंदा पानी वहाँ पर भरा हुआ था, ना तो उसकी निकासी है। 1-1.5 साल पहले नाला बना, उसकी निकासी नहीं है, अवरुद्ध पड़ा है। और जो बच्चे डूबे हैं, जो इनके जो बच्चे अभी डूबे हैं जिनका घर है वो रोड जा रही है सीसी रोड, उस रोड पे आके डूबे हैं, पानी उनके घरों तक आ गया। ना तो वहाँ पे प्रशासन की कोई देख रेख है, ना वहाँ पे पानी की निकासी कर रहे हैं, ना नगर पालिका कोई ध्यान रख रही है अपने वहाँ पे। और बार बार नगर पालिका को हम वार्ड वासियों ने अवगत करा दिया कि वहाँ पे गंदा पानी है, उसकी निकासी करें, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है, वहाँ पे कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, जिसका नतीजा आज ये सामने देखने को मिला है।